ये है ब्लॉग का पार्ट टू, जो कि अभी हम लोग कोलकाता से जाना है गोवा, और टाइम हो गया है आपका, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी टाइम हो गया है 1:27, सॉरी थोड़ा हिंदी का इधर डामाडोल है। और पहला तो फ्लाइट मैंने आप लोगों को बताया कि पहला था हम लोग का रांची से, कनेक्टेड है तो पहला था रांची से आपका कोलकाता, एंड कोलकाता से अब है आपका पुणे के लिए, जो कि थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ा और इनको थोड़ा सा आ गया था नींद, तब सो लिया ना। अरे ये हम लोग इतने मस्त जगह पे बैठे हैं ना यार, देखिए सारा प्लेन एंड सारा चीज़ दिख रहा है, देखिए स्पाइस जेट अपने यहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है, मस्त वहाँ पर भी एक प्लेन खड़ा है। तो हम लोग का जो फ्लाइट है वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देखिए आने वाला है, वो है आपका कहाँ गई, अभी आई नहीं है, रुकी नहीं, सब ऑन टाइम ही है, लेकिन हमारा वाला फ्लाइट अभी तक नहीं आया। दिल्ली पुणे, देखिए 6, ये वाली फ्लाइट है 2:50, 6T6944 पुणे, गेट नंबर 15 में आने वाला है। और अभी ये मुंबई का भीड़ है, हम लोग का आने वाला है गेट नंबर 15 पर, तो अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी, तो फिलहाल सोच रहा हूँ एक और नैप मार लेता हूँ, मैं तो वेब सीरीज़ देख देख के आ रहा हूँ, नींद इन्हीं को आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 5 घंटा का फ्लाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो तो अभी मैं नहीं सो रहा, मैं डायरेक्ट सोऊंगा फ्लाइट में, बस उसमें जाके सो जाऊँ, है ना, क्या बोलते हैं, कहाँ सोइएगा फ्लाइट में। सो फटाफट से चलिए वेब सीरीज़ को, अभी एक मैं देख रहा हूँ द साइलेंट सी, वो देखता हूँ, जैसे ही फ्लाइट आती है फिर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक। चलिए हमारा लाइन आ गया है, बोर्डिंग हो गया कंप्लीट। टाइम कितना हो रहा है, 2:19, घास पहुंची रहे, नींद आ रहा है, अब नींद नहीं आ रहा, वाह अब नहीं नींद आ रहा, उस टाइम ध्यान नींद आ रहा, नींद नहीं आएगा भाई, पता है रिसेंटली ये वाला होना चाहिए हम लोग, ओए किधर जा रहे थे हम, बहुत खुश दौड़ दौड़ के जा रहे, और जब पिछला अभी 2 घंटे से वेट, हाँ फिर ठंडा लगे, ठंडा यार, एक तो ये कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है ना काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, खाली खांसी और धीरे चलो, ठीक है चलिए, रात का 2:30 हुआ, हम लोग का दूसरा सफर वेट कर, इतना गंदा एसी चालू करके रखा है, आदमी मर जाएगा सही में, ये धुआं मार रहा है, कैमरा में भी शायद क्लियर नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं बाहर अभी लैंड मतलब यहाँ से टेक ऑफ नहीं किया है, तो रात का टाइम है तो बादल तो देख नहीं सकते, बट मैं आपको फ्लाइट के अंदर बादल दिखा रहा हूँ, एक्चुअली में एसी रेंज काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया है, तो मे बी कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है देख सकते हो, क्या करें, सो जाइएगा आप, हाँ तो फिर विंडो सीट का क्या फ़ायदा, इधर आ जाइए, अरे बाप अरे बाप, सुनिए ना खिड़की से मुंडी ने निकाल दिया,
फाइनली वी आर इन गोवा। हाँ बहुत जल्दी पहुँच गए। सनसेट देख। अभी यहाँ से बैगेज उठाना है फिर होटल रिसॉर्ट। पहले बैग पिक कर लेते हैं। चलिए बोल ही नहीं निकल रहा आपका। अभी हम लोग गोवा एयरपोर्ट से निकल गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फोटो भी खिंचा लिए हैं, फोटो पोस्ट कर देंगे पूरा। हाँ सर, हाँ हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है, ठीक है। अभी जा रहे हैं, हमारा क्या बोलते हैं ड्राइवर भी आ गया होगा कैब लेकर के, तो फटाफट से अभी फिर अभी वहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहले अभी बैठते हैं, उसके बाद रिसॉर्ट जाते हैं, फिर कॉल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कॉल करते हैं अभी बहुत अंदर बहुत काम बाकी है। अंदर एयरपोर्ट का बहुत काम बाकी है अभी। बहुत बड़ा है, इंडिया में सेकंड आता है। हाँ अभी इसको फ्लाइवर अटैच होगा उधर से। फाइनली अभी ये हमारा लॉन्च है, ठीक है। ये होटल है, हालत खराब है। अभी लुक छोड़ा, ये लगेज, चलिए अंदर। सच में बताओ बैटरी कुछ नहीं है। बैटरी एकदम इनका फ़ोन का बैटरी हो गया डाउन, और मेरा फ़ोन में बैटरी है 5%। पहले चेक इन कर लेते हैं, नहीं तो वो पता चलेगा वो भी नहीं कर पा रहे। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल पर। ये रहा हमारा रूम, ये बहुत कोई बोलेगा एसी नहीं है, देख लीजिए ऑलरेडी एसी वेंट पे सारा काम होता है, ठीक है। ये रहा कुछ काम वाम करने के लिए, क्या हाल है। और इधर साइड ये देखिए, अरे हटो ना यार। ये रहा इधर कुछ कुशन्स और लगा हुआ है, सोफा है। और ये हमारा वॉशरूम। तो फिलहाल फटाफट से अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है। एंड अभी फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, ठीक है। तो होप मैं अभी इस ब्लॉग को, ये सेकंड पार्ट है इस ब्लॉग को, मैं यही पेंट कर रहा हूँ,
होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब फिर यहाँ से बाहर का ट्रिप करूँगा क्योंकि अभी मैंने नहाना है, सारी चीज़ करना है, उसके बाद फिर स्टार्ट करूँगा। एंटिल देन बाय, टेक केयर।